14, 15, 16 तीन क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। तीनों ही बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लो, एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके चेक कर लो कुछ आ रहा है या क्या आंसर्स आ रहे हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ए बी इज क्लोजेस्ट टू। इंडेसेस का क्वेश्चन तो बहुत बनाए होंगे पर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा। देखो अब यहां तो ये तो क्लियर है कि ए और बी ये दोनों जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये ए और बी दोनों अपने आप में तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ कोई भी कारस्तानी नहीं की गई है, ये साधारण से इंटीजर्स है। और ये जो पूरा दिया है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 21 प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 पूरे का स्क्वायर रूट। एक एक अलग लेकर इसको देखो, अब 2 स्क्वायर रूट 21, 21 क्या है 7 इंटू 3 है ना, और 7 प्लस 3 10 भी होता है, तो मतलब कि स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 अगर करें और पूरे का स्क्वायर अगर ले लें तो क्या होगा 7 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 21 यही आएगा ना, इज इक्वल टू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 21 याद है। कहां से हिंट मिला, 21 को देखो, 21 7 इंटू 3 है और ये 10 जो है 7 प्लस 3 है, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 को अगर कंप्लीट का स्क्वायर लिया जाए तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको देखो, अब 15 5 इंटू 3 और 5 प्लस 3 8, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इस पूरे का अगर स्क्वायर लिया जाए तो आ जाएगा ना हमारे पास 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। इसका मतलब क्या है, हमें जो दिया है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी यह किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 7 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो बहुत ही सीधे सीधे हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 7 b इज इक्वल टू 5, और स्क्वायर रूट ए भी जब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 35। ये 36 से थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा, 6 से कुछ नीचे होगा, ऐसा ऑप्शन कौन सा है 6 से बिल्कुल क्लोज, 5.9 ऑप्शन सी। क्या क्या सोचा था इसमें, क्या क्या किया था, कितनी आसानी से बन गया, यही खासियत है एसएससी की, क्वेश्चन जो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं बनते बहुत सिंपल ही हैं, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर फाइव माइनस 3 साइन फाइव प्लस 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और ये ऊपर वाले को देखो, इसमें सिर्फ साइन फाई है, साइन फाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और नीचे जो कॉस फाई है, नीचे ये जो कॉस फाई है इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दे तो साइन स्क्वायर फाई में पूरा पूरा एक क्वाड्रेटिक बनता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें साइन फाई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन है साइन स्क्वायर फाइव माइनस 3 साइन फाइव प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन फाई को एक बार मान लो एक्स, तो हमारा इक्वेशन क्या है अब, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन फाई को मैंने सिर्फ मान लिया है एक्स, कुछ नहीं किया है, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी यहाँ पे, सिर्फ साइन फाई को एक्स मान लिया है। हम लोग एक्स की वैल्यू अब निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर जो है ये क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन है ऊपर, है ना, फैक्टराइजेशन याद है। थ्री एक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू हो, प्लस टू होगा ये, जो कर देंगे एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू, माइनस कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे जो है ये वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगा हुआ है ना। और यह पूरा हमें किसके बराबर दिया है, वन के बराबर, तो वन माइनस एक्स और एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आता है, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा वन इधर आएगा, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वन बाय टू, और एक्स था साइन फाई, है ना, इस वापस आ जाओ, तो हमारा क्या आ जाता है, साइन फाई इज इक्वल टू वन बाय टू, और यह याद है किसकी वैल्यू वन बाय टू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय टू होती है, तो हमें सीधा सीधा मिल गया फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें फाई की वैल्यू मिल गई है। अब हमें डायरेक्टली इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर देना, इसका वैल्यू निकाल देना, कॉस टू फाई यह कितना होगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, याद है, नहीं याद है तो याद करो, साइन थ्री फाइव इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, और कोसेक टू फाइव यह क्या होगा, वन बाय साइन टू फाइव, मतलब वन बाय साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू टू बाय स्क्वायर रूट थ्री, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, मिल गई है। अब सीधा सीधा इसमें डाल के आंसर ले आना है, हमें क्या आ गया, वन बाई टू प्लस वन प्लस टू बाई स्क्वायर रूट थ्री, तो स्क्वायर रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा थ्री आ गया, एलसीएम ले लो सिक्स, इधर क्या आ जाएगा, थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री, आ गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। जिनको साइन साइन और कॉस हमें किसकी किसकी वैल्यूज चाहिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का साइन कॉस और टेन याद करना है, ठीक है, बता दूं, इसका साइन 0 का 0 1 0 पहले ये होता है 0 1 0, उसके बाद 1 बाय टू स्क्वायर रूट 3 बाय टू, और इसको तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं हम लोग, टैन को भूल छोड़ भी सकते हो या याद भी कर सकते हो, ये वन बाई स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। 45 तो बहुत आसान है, वन बाई स्क्वायर रूट टू, वन बाई स्क्वायर रूट टू और वन, 60 में जब आएंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट थ्री बाई टू वन बाई टू, टैन को छोड़ दो, अगर दिक्कत लग रहा है तो टैन को भूल जाओ, स्क्वायर रूट थ्री टेबल कंप्लीट करने के लिए मैं लिख देता हूँ, और 90 में जब आएंगे तो 10 यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 0 आता है, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है, एक्चुअली 1 नहीं होता है, इन्फिनिटी चला जाता है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 16वां क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत हटके क्वेश्चन है, क्या है, एक लोन लिया गया है जिसको रिटर्न किया जाता है 41,100 रुपये के दो इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो टोटल इंटरेस्ट क्या दिया गया इसमें, मान लेते हैं हम लोग स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पी है हमारे पास, ठीक है,
अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम लोग ईयरली इंस्टॉलमेंट देते हैं तो क्या होता है कि एक साल के बाद जो अमाउंट हुआ इसमें से माइनस इंस्टॉलमेंट कर देते हैं आई वन, ठीक है। अब ए वन माइनस आई वन जो ये बच जाता है ये अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है पी टू, है ना। और फिर इसका जो अमाउंट बनता है ए टू उसमें से आई टू माइनस हो जाता है, समझ में आ रहा है। एक साल में, खैर इतने लंबे कैलकुलेशन को छोड़ो, एक साल में हमारा जो प्रिंसिपल था ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ए वन पी वन जो पहले साल के लिए प्रिंसिपल था उससे अमाउंट ए वन जो आएगा यह कितना होगा, 1.05 P1 होगा, होगा ना। और इसमें माइनस कर दिया गया है ये 44,100, यह पूरा जो एक साल के बाद जो बचा लोन तो इतना ही है ना, इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 1.05 P1 माइनस 44,100 इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगना है। एक साल के लिए क्या इंटरेस्ट लगना है, 1.05 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। और यह जो अमाउंट आता है यह पूरा 44,100 देने के बाद खत्म हो जाता है, लोन खत्म, इसके बाद कुछ लोन नहीं बचता है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने के बाद 1.05 से मल्टीप्लाई करने से जो हमारा अमाउंट आएगा वह 44,100 आएगा। तो ये क्या आएगा, बस हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, 44,100 बाई 1.05 यह क्या आ जाएगा, 42,000। मतलब 1.05 P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 86,100। यहाँ से हमें P1 निकल जाएगा, P1 क्या आ जाएगा, 82,000, ठीक है। प्रिंसिपल 82,000 था और पेमेंट कितना हुआ, 88,200 का पेमेंट हो गया, दो इंस्टॉलमेंट में 88,200 रुपये दिए गए। प्रिंसिपल था 82,000 रुपये, तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 62,000 रुपये, यही 62,000 रुपये इंटरेस्ट में दिए गए थे, ऑप्शन ए।